आप लोग के लिए तीज स्पेशल साड़ी, जो कि मैंने कहाँ से लिया था, ये प्यारी सी साड़ी, तो ये ज्वेलरी का जो मैं तीज में पहनी थी, कहाँ से ली थी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नेहा रानी ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ, तीज स्पेशल साड़ी के बारे में बात करना चाहती हूँ कि मैंने वो साड़ी कहाँ से वेयर किया था। और मैं साइड में फ़ोटो मेंशन कर देती हूँ कि मैं कौन सी साड़ी की बात कर रही हूँ और कौन सी ज्वेलरी की बात कर रही हूँ। तो वो मैंने साड़ी कहाँ से लिया था, ज्वेलरी कहाँ से लिया था, उसके बारे में मैं आज डिस्कशन करने वाली हूँ, बात करने वाली हूँ। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो मैं उसका लिंक दे दूँगी पर्सनली कि मैंने कहाँ से क्या क्या लिया था। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। थोड़ा सा बाहर का शोरगुल आ रहा है, तो कोई बात नहीं है, थोड़ा सा इसको इग्नोर करके चलिएगा। तो आज मैं बात कर रही हूँ अपने साड़ी के बारे में, तीज स्पेशल साड़ी मैंने कहाँ से लिया था, उसका ज्वेलरी कहाँ से लिया था, कहाँ कहाँ से बाय किया था। तो आज मैं बात कर रही हूँ और टाइम वेस्ट करते हुए मैं अपना वीडियो स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं अपना साड़ी दिखाती हूँ आप लोग को। ये प्यारी सी साड़ी आप लोग देखिए, ये आसमानी, डार्क आसमानी कलर का है, पता नहीं कौन सा डार्क आसमानी कलर का है ये। और ये कपड़ा बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट फैब्रिक में, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट में है। मैं इसका पूरा फुल लुक दिखाती हूँ आप लोग को। ये आप देख रहे हो ना, ये पूरा में सेम ऐसा ही पट्टी है। और ये स्टोन वगैरह लगा हुआ है, जो कि बहुत अच्छा स्टोन है। और ये मुझे कितने की पड़ी है मैं आपको वो भी बताऊंगी। और ये ये पूरा में ऐसी ही वर्क है, पूरा में सिंपल में बहुत ही अच्छा साड़ी है। या आप सिंपल कहो या पार्टी वेयर साड़ी कहो, इसे आप पार्टी वेयर भी कह सकते हो। और ये पहनने के बाद आप लोग तो देख ही लिए हो, पहनने के बाद इसका क्वालिटी इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि आप लोग तो गेस कर ही लिए हो तुरंत। और ये इसका क्वालिटी साड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये पूरा में वर्क है। और इसका साड़ी का सॉफ्ट कपड़े की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप पहनोगे तो और बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अगर आप लोग को भी, मैंने ये ऑफलाइन लिया या ऑनलाइन लिया, मैं इसकी बात करती हूँ। इसके में पूरे में अच्छे तरीके से वर्क है, पूरे में कढ़ाई है। और इसमें बीच बीच में ये पूरा ये स्टोन लगा हुआ है, जो भी आप कहो पूरे में लगा हुआ है। और ये अच्छा स्टोन है, ये नहीं कि बस उखड़ जाए ऐसे करके, नहीं। मैं इसे एक बार वॉश कर ली हूँ और ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। जैसे कि एकदम होता है ना कि जो रुखरा चला हुआ है, अभी के रेट में जो जिमी चू साड़ी चला हुआ है, मैंने वो एक भी साड़ी अभी तक नहीं लिया। वो साड़ी मुझे नहीं पसंद आता है, इसलिए मुझे नहीं पसंद आता है क्योंकि उसका प्लेट, जो आप जब भी प्लेट करोगे ना, उसका प्लेट नहीं बैठने वाला है, एकदम बिल्कुल नहीं बैठने वाला, नहीं कि नहीं बैठने वाला। तो मैं यही साड़ी के बारे में आज आप लोग के लिए बात कर रही हूँ कि ये साड़ी बहुत ज़्यादा सुंदर है। मैं इसका ब्लाउज दिखाती हूँ। मैं इसका ब्लाउज कुछ इस डिज़ाइन में स्टिच करवाई हुई हूँ। ये पूरा डिज़ाइन आप लोग देखो ऐसा है। और मैं ये ब्लाउज, ये बाजू पर कुछ मैंने ऐसा डिज़ाइन करवाया है। और मैं इसका फ़ोटो साइड में मेंशन कर दूंगी आप लोग को, आप लोग को अच्छे से पता चल जाएगा। बाजू में भी सेम ऐसे ही है कपड़ा, तो मैं पहले ही बोल दी हूँ कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ही अच्छा है। और ये मैंने कितने में लिया था, इसका प्राइस था 3500 रुपया। ये मैंने लिया है पटना खितान मार्केट में, 3500 रुपया था। इसमें बहुत सारे कलर थे, कलर के ऑप्शन थे। मेरे पास आसमानी कलर का साड़ी एक भी नहीं था। जी हाँ, मेरे पास आसमानी कलर का साड़ी एक भी नहीं था। तो मैंने सोचा क्या कि इस बार कुछ अलग लिया जाए, क्योंकि आसमानी साड़ी तो मेरे पास है नहीं, तो सोची कि लिया जाए। और आई हो मेरे पास था भी नहीं, जैसे मैं मार्केट गई तो ये टंगा हुआ था। इसमें 3-4 कलर थे, मैंने ये आसमानी ही लिया क्योंकि मेरे पास आसमानी साड़ी नहीं था। और इसमें 3 कलर थे, 3 में से एक ये सुंदर लग रहा था, एक और सुंदर लग रहा था, तो मैंने यही लिया। और ये मुझे पड़ा था 3500 रुपया, दुकानदार वाले बोल रहे थे, तो 3500 में नहीं पड़ा था मुझे, ये मुझे पड़ा था साड़ी मुझे एग्जैक्ट दाम याद नहीं। हाँ, मैं इसे दाम तुड़वाई थी, तो मैं बोली कि उसे, कि दुकानदार वाले को, कि मुझे 2500 में दे दो ये साड़ी। तो बोला कि नहीं,
ये 2500 में नहीं मिलेगा आपको। तो लास्ट करते करते मुझे ये मिला है 28 में, हाँ 2800 में ये मुझे साड़ी मिला है, बस 200 रुपया कम 3000 रुपया में। लेकिन ये मुझे पहले ही ऐसा होता है ना कि जब आपको कोई साड़ी नज़र में आ जाए, पसंद आ जाए, तो आपको उसे छोड़ने का मन नहीं करता है, 1% आपको छोड़ने का नहीं मन करता है। तो यही बात मेरे में हो गया था कि मुझे ये पसंद आ गया था और मुझे इसको छोड़ने का मन नहीं कर रहा था। और इसके साथ मैंने नेकलेस पहना था, लाठी वगैरह पहना था। तो लाठी वगैरह का तो यहाँ पे दरभंगा में लाठी का और लाठी लाह का लाठी एक से एक मिल जाता है, आपका जैसा कलर खोजो आपको मिल जाता है लाठी, तो का अवॉर्ड रखो। और चूड़ा वगैरह तो मैंने चूड़ा आसमानी कलर था, तो आसमानी कलर का लाठी आराम से मिल जाता है यहाँ पे, रेड कत्थई मैरून ये सब आराम से मिल जाता है लाठी। तो मुझे इस कलर का लाठी भी मिल गया था, मैं साइड में पिक मेंशन कर दूँगी यहाँ पे। और बात अब करते हैं ज्वेलरी की बात कि मैंने ये प्यारी सी ज्वेलरी कहाँ से ली थी। सबसे पहले मैं इसका पैकिंग की बात करूंगी, तो इसका पैकिंग बहुत अच्छा पैकिंग में आया था, ये पूरा बहुत ही अच्छा पैकिंग में आया था ये। और ये ज्वेलरी मुझे कितने की पड़ी है, कहाँ से मैंने लिया है, मैं वो भी आप लोग को बताऊंगी। तो सबसे पहले ज्वेलरी की बात करें, नेक पीस की बात करें, तो नेक पीस मैं आपको दिखाती हूँ। ये नेक पीस सेम मुझे मिल गया था और ये मैंने लिया है मीशो से, जो कि बहुत क्वालिटी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, आपको मैं दिखा रही हूँ। और ये गोल्डन और आसमानी में है, जो कि आप ऐसे तो आप आसमानी ही साड़ी पे इसे पहन सकते हो, ये तो कंफर्म है। लेकिन ज्वेलरी की बात करें कि इसका क्वालिटी ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, आपको मैं नज़दीक से दिखाती हूँ, थोड़ा सा धूप आ रहा है ना इसीलिए। ज्वेलरी की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है और मैंने ये मीशो से लिया है, मैं इसका लिंक दे दूंगी, अगर आप लोग को भी चाहिए तो मैं दे दूंगी इसका लिंक। और ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा, मैं इसका स्क्रीनशॉट साइड में मेंशन कर दूंगी ज्वेलरी का। और इसके साथ मुझे मिला है ये प्यारा सा इयररिंग, जो कि हर नेकलेस में मिलता है, पता नहीं इसको क्या हो गया। ये मुझे दो इयररिंग मिला है, आप लोग को दिखाती हूँ मैं कैमरे में, ये मुझे प्यारा सा दो इयररिंग मिला है। और इसके साथ मुझे मिला है मांग टीका, मैं मांग टीका नहीं पहनी थी और मैंने गोल्ड का टीका पहनी थी, नथिया भी गोल्ड का पहनी थी, इसलिए मैं ये नहीं पहनी थी। और ये आप मैं इसे पास से ही दिखा देती हूँ, जब मैं खोलूँगी तब सेम इसी की तरह है, बस टीका है। और टीका भी बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, यहाँ पे आप लोग देखो बहुत ज़्यादा ही अच्छा है और बहुत ज़्यादा ही सुंदर है, टीका भी है। और ये कुछ इस तरीके से पैकिंग में आया था, यहाँ पे ये देखो पैकिंग भी इसका बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे आप लोग देखो बहुत ज़्यादा इसका पैकिंग अच्छा है, ऐसे इस बंद हो गया। और इसका ये मुझे मिला है 500 कुछ रुपए का, जो कि अभी के डेट में ना पता नहीं ये सब रोल गोल इतने महंगा क्यों हो गया है। अगर आप लोग आपको अच्छे चाहिए नेकलेस वगैरह, तो 500 के रेंज में ऊपर ही आपको जाना पड़ेगा, नीचे में तो आपको नहीं मिलेगा, उतना अच्छा नहीं मिलता है। मैं आपको अपने ज्वेलरी के कलेक्शन बहुत जल्द दिखाऊंगी कि मेरे पास कितने कितने रेंज की ज्वेलरी है। अगर आपको अगर अच्छी ज्वेलरी चाहिए तो 400-500 के ऊपर रेंज में ही जाना पड़ेगा, ये तो 100% है कि 500-1000 के रेंज में ऊपर ही जाओ। आराध्या को मैं देख रही थी, आराध्या शायद सोई है कि उठी हुई है नहीं पता, बस मैं उसे सुला के आई हुई थी और वीडियो बनाने के लिए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी था मेरे लिए कि मैंने तीज का साड़ी कहाँ से लिया है, ज्वेलरी कहाँ से लिया है। और लाह वगैरह चूड़ी वगैरह जो मैं पहनी थी, तो वो तो मैं लोकल मार्केट से ही खरीदी थी। और ये साड़ी तो मैं बता दी पटना के खेतान मार्केट में, अगर आपको भी लेना है ये साड़ी तो जो मेरा वीडियो देख रहे हैं तो पटना के खेतान मार्केट में वो जाएगा तो उन्हें मिल जाएगा, अभी भी मिल सकता है क्योंकि उन लोग के पास स्टॉक बहुत ज़्यादा रहता है खेतान मार्केट में, एक से एक वैरायटी से वैरायटी ऑप्शन मिलेंगे, लहंगे का सूट का एक से एक आपको वैरायटी से वैरायटी वहाँ पे मिल जाते हैं पटना खेतान मार्केट में। आप ज़रूर से ज़रूर वहाँ पर जाओ और लो पटना खेतान मार्केट में। मेरी मम्मी वहाँ रहती है, आप लोग को तो पता है, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि मेरी माँ
मेरी माँ रहती है वहाँ पे और मेरा राजा बेटा भी वहीं पे रहता है, मेरी मम्मी के साथ में ही, वो जब छोटा था तो वहीं से वो रह गया तो वहीं पे रहता है। और वहाँ अगर आप लोग जाओगे तो आपको इससे भी अच्छे अच्छे साड़ी मिलेंगे, इससे भी आप अगर रेंज ऊँचे, आपका रेंज थोड़ा सा हाई होगा या 3 से प्लस होगा, 4 से प्लस होगा, 4,000-5,000 ऐसे कुछ रेंज में अगर होगा आपके पास तो आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी की साड़ी वहाँ पर मिलेगी और अच्छा अच्छा रेंज में आपको वहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर बहुत ज़्यादा अच्छा साड़ी मिलने वाला है आपको वहाँ पर। और सबसे ज़्यादा मैं बता दूँ आपको कि वहाँ एक से एक साड़ी आपको मिलने वाली, एक से एक वैरायटी से वैरायटी साड़ी मिलने वाली है, आप कभी जाके ट्राई करके देखना। ऐसे मैं हमेशा जाती हूँ और मैं वहाँ के वीडियो, और मैं जाती हूँ तो मैं वहाँ के वीडियो शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ कि मैं पटना खेतान मार्केट में जाती हूँ वगैरह जाती हूँ तब। और वहाँ अगर मैं जाऊँगी साड़ी वगैरह अगर लेने के लिए तो ऐसा शेयर करूँगी, लेकिन मैंने ऑलरेडी साड़ी वगैरह का वीडियो डाल दिया है। जब हम लोग गए हुए थे, पूजा मेरे घर में था तब हम लोग गए हुए थे शॉपिंग करने के लिए, तो वहाँ पे मैंने ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के लिए डाला हुआ है। अगर पटना कभी जाते हो तो मैं उसका प्रॉपर एड्रेस बता दूँगी कि पटना का खेतान मार्केट कहाँ है, नहीं है तो मैं प्रॉपर एड्रेस डाल दूँगी, नहीं तो मैं बता देती हूँ। सबसे पहले आप अगर जाओगे जंक्शन, तो जंक्शन से सबसे पहले आपको जाना है, किसी को भी आप बोलना कि वहाँ से आपको 15 से 20 रुपया लेंगे ऑटो वाले, और बस भी चलता है, बस वाले आपको 8 से 7 रुपया लेंगे एक आदमी का, और ऑटो वाले आपका लेंगे 15 से 20 रुपया। आपको डायरेक्ट आप बोलोगे कि गांधी मैदान के पास, पटना के गांधी मैदान के पास मुझे रोक दीजिए, अगर नहीं वैसे बोल पाओगे वहीं पे आपको एग्जैक्ट रोकेंगे गांधी मैदान के पास ही, वहीं से पास में ही सटे हुए खेतान मार्केट है। आपको चाहे तो आप खेतान मार्केट जा सकते हो, नहीं तो जा सकते हो साड़ी का जहाँ गोदाम है साड़ी का, राजधानी में भी आपको एक से एक साड़ी मिलेगा। मैंने ये राजधानी से ख़रीदा हुआ है और खेतान मार्केट से में भी आपको एक से एक वैरायटी से वैरायटी कलेक्शन बहुत 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 ज़्यादा अच्छा मिलते हैं। अगर आपके घर में किसी का शादी है, पार्टी है, फंक्शन है तो आप आराम से वहाँ पे एक से एक साड़ी वगैरह खरीद सकते हो। आराध्या उठ चुकी है, वो बहुत बदमाशी करती है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है। और ये मैंने मेरा प्यारा सा लुक आज का कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैंने प्यारा सा सूट कहाँ से लिया है और कितने में लिया है, अगर आप लोग को भी चाहिए तो ये प्यारा सा सूट मैं लिंक दे दूँगी, कॉमेंट में बता दूँगी और साइड में मैंसन कर दूँगी इसका। और ये प्यारा सा इसमें पूरा है, पूरा मैं चुन्नी में ये मुझे मिला है मुझे चुन्नी और ये सूट, और सूट का क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपको सबसे पहले ये ऊपर से कोटी मिलने वाला है, जो देख रहे हैं आप लोग ना, ये कोटी है और पूरा में कुछ ये पूरा घेरा है, सब पूरा में घेरा है इसका। अगर आप लोग को भी लेना है तो ज़रूर ले सकते हो, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ढेर सारा प्यार दो। मैं यूं ही आप लोग के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाया करूँगी, आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो लाऊं। और आज का तो टॉपिक था कि तीज का साड़ी मैंने कहाँ से लिया था, ज्वेलरी कहाँ से लिया था, तो ये आम सी बात थी तो मैं शेयर कर ली। और अगर आप लोग को और से अच्छे वीडियो देखना है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आई होप आप लोग को ये प्यारा सा वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ढेर सारा प्यार दीजिए। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में। अभी थोड़ा सा बाहर का शोरगुल आ रहा है इसलिए मैं लाउडली बोल रही हूँ कि आप लोग को भी सुनाई दे अच्छे तरीके से, तो बाहर का आवाज़ आ रहा है तो इसीलिए। तो मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में ढेर